वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभैरव। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो जिसका समापन हो चुका है और ये लगभग काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसमें भारत के सभी राज्यों से बहुत सारे खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसका पूरा डेटा सामने आ चुका है, क्योंकि इसका समापन हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि टोटल किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसके बारे में जितना भी फैक्ट है पूरा इस वीडियो में जानते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये इसकी मेज़बानी किस देश ने किया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसकी मेज़बानी किस देश ने किया, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अब की बार मेज़बानी मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। और ये कब से कब तक चला है, ये 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से खेलो इंडिया यूथ गेम्स वहाँ पे आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। अब अगर इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ है वो मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में हुआ है, ठीक है। और ये मेज़बान शहर अगर आपसे पूछेगा तो कौन कौन से हैं, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला, बालाघाट, ये 8 शहर है। यहाँ पे टोटल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का इन सभी शहरों में थोड़ा थोड़ा खेल सभी शहरों में मतलब आयोजन किया गया है। चलिए आगे अगर हम बात करें यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण था, तो यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था, 5वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। यह बहुत बार पूछा जा सकता है तो इम्पोर्टेंट है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है ये महाराष्ट्र राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है पदक तालिका में। अगर हम इसके अदर फैक्ट की बात करें तो इन खेलों में 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से तो कुल मिलाकर 5,812 खिलाड़ियों ने भाग लिया है इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। चलिए पदक तालिका की अगर हम बात करें तो टॉप 5 पदक तालिका से हम टॉप 5 स्टेट देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, कितना गोल्ड मिला है, किसको कितना सिल्वर मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र राज्य ने कुल टोटल 161 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसने गोल्ड 56 जीता है, सिल्वर 55 और ब्रॉन्ज 50। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा है जिसने टोटल कुल मिलाकर 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और ब्रॉन्ज 55 के साथ, 55 ब्रॉन्ज पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। 128 पदक हरियाणा ने जीते हैं। थर्ड स्थान पर रहा है जो तीसरा मेज़बान जो है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसने मेज़बानी की है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। इसने यहाँ पे टोटल 39 गोल्ड, 30 सिल्वर, ब्रॉन्ज 27 और टोटल 96 पदकों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। चौथे स्थान की अगर हम बात करें तो चौथे स्थान पर राजस्थान राज्य रहा है। इसने 19 गोल्ड, 10 ब्रॉन्ज सिल्वर और इन सबके साथ साथ 19 ब्रॉन्ज और टोटल 48 पदकों के साथ शीर्ष स्थान चौथे स्थान पर राजस्थान राज्य रहा है। पांचवा स्थान पर दिल्ली रहा है, ठीक है। दिल्ली टोटल कुल मिलाकर 16 गोल्ड, 22 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज के साथ कुल 64 पदकों के साथ दिल्ली पांचवें स्थान पर रहा है। तो ये टॉप 5 रैंकिंग आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी कभार रैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करें तो पहली बार इस गेम्स में, ठीक है, कौन कौन से खेल शामिल किए गए, तो पानी के जितने भी खेल थे अर्थात कयाकिंग, कैनोइंग, इस खेल को शामिल किया गया, कैनो सलाम को शामिल किया गया और फेंसिंग को इस खेल में पहली बार शामिल किया गया। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी से रिलेटेड, एसएससी एग्जाम या अदर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड के लिए आप इस वीडियो और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।